नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर देशभर में मचे हंगामे के बीच आज बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है और सरकार के सामने अपना विजन पेश करने की चुनौती है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को सीए के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को संसद परिसर के बाहर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद समेत विपक्ष के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन के दौरान उपस्थित रहे। विपक्षी नेताओं ने हाथ में संविधान बचाओ की तख्ती ली हुई थी। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने जामिया फायरिंग पर जिक्र करते हुए गोली मारना बंद करो के नारे लगाए। संसद परिसर के बाहर मौजूद गांधी मूर्ति पर विपक्ष ने नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार के इस कानून को संविधान विरोधी बताया। की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान पे आक्रमण बंद करो।